हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बालों की हालत, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने बालों पे हेयर कलर किया था, तो काफ़ी टाइम से कलर ही बालों पे हुआ था, तो मैंने सोचा चले क्यों ना इसको चेंज किया जाए। तो मैंने बालों पे मेहंदी लगा ली और बालों में थोड़ा सा ड्राइनेस सी आ गई थी, तो फिर मैंने रेड वाली मेहंदी लगा ली है बालों पे, जो हरे वाली होती है उससे बालों में थोड़ा सा शाइनिंग भी आती है और बाल थोड़ा सा स्ट्रोंग भी होते हैं, तो मैंने वही लगाई है। सो बारिश का मौसम है बाहर और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स। अभी बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ, इतना बादल हो रहा है ना। हमारे यहाँ पे बारिश हमेशा से ही जन्माष्टमी के बाद ही होती है, उससे पहले एक दो बारिश आएगी, इतनी अच्छे से नहीं आएगी। बस यह है कि तड़पाती है बारिश, हमारे गांव में बहुत मुश्किल से बारिश होती है गाइस। और दोपहर में बच्चा देखो कैसे सो रहा है, तो नीचे लेट जाते हैं दुकान में। अभी चारपाई टूटी पड़ी है, उसको ठीक कराने की सोच रहे हैं, देखते हैं कब तक ठीक होती है। और बाहर का वेदर देखे कैसा हो रहा है, बादल छाए हुए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अभी जो है मैं नहा के आऊँगी और सर्वर धो के आऊँगी, ओके फ्रेंड्स। और अभी मेरा बेटा जो स्कूल से आ चुका है, दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ी बारिश हुई भी है, जीने से पानी आता है, यहाँ पे मोंटी बनाई जाएगी फ्रेंड्स, सपोर्ट करो ताकि मोंटी बन जाए हमारी। और मेरा बेटा स्कूल से आया है, देखो हाय बोलो सबको। अभी ड्रेस चेंज करने वाला है, जल्दी से कर लो फिर मैं बाल धोऊंगी, ओके। तो जूस बनाया था मैंने इसके लिए, तो जूस जो है अभी पी लिया आपने? जूस उसने पी लिया है जूस, तो अभी कितना पिया, बाकी का किधर गया? बाप रे बाप, इसको भूख लग रही होगी, ये दोनों गिलास पी गया, छोटे भाई के नाम का भी पी गया। चलो थोड़ा तो बचा, उसको भी दे दूंगी। मैंने बादाम वगैरह वगैरह डाल के अच्छे से बनाया था गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया था। कैसा लगा? अच्छा। बादाम और काजू डाली थी मैंने इसमें आज, ये उसके छोटे के लिए रखा है, छोटू बच्चा है ना मेरा सो रहा है, जो उसके लिए रखा है क्योंकि जब भी सोएगा ना। और फ्रिज मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, तो फ्रिज देखिए अब कितना अच्छा क्लीन हो चुका है, फिर भी दाग लग जाते हैं सामान के, और अच्छे से सेट करके रख दिया है मैंने। और जूस मैंने केले का बनाया था, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। तो अभी जो है कपड़े उठा लेती हूँ, मुझे कौन से कपड़े चेंज करने वो देखती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगी है बालों पे, सब में कलर आ जाएगा, ऐसा ही कुछ उठाना पड़ेगा जिसमें कलर ना आ जाए। इसको उठा लेती हूँ, इसमें कलर नहीं जाएगा। और उठा लेती हूँ कुछ, ये उठा लेती हूँ, है ना, ऐसे ही कपड़े उठाऊँगी जिसमें कलर ना जाए बिल्कुल से भी। और इसमें कलर जाएगा भी तो पता नहीं चलेगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये कपड़े मैं नहाने के लिए पहनूँगी, और मेरा बेटा चेंज करने के लिए चला गया है, नंगा घूम रहा है बच्चा, नंगा घूम रहा है, ये नंगा घूम रहा था। तो ये हमारी वॉशरूम है, आप देख सकते हो इस तरीके की, ओके। तो अभी जो है कपड़े लगा देती हूँ मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक सिंक लगवा दूँ, क्योंकि गाइस हैंड वॉश ना इधर करते हैं खाने के लिए, फिर मेहमान अगर वगैरह आते तो यहीं पे कोलगेट करते हैं, तो अच्छा नहीं रहता। ये सिंक मैंने इसलिए लगवाई थी ताकि कोई आए और हाथों को सिर्फ वॉश करे, इसलिए नहीं लगवाई थी कि कोलगेट ब्रश भी उधर ही करें। कोलगेट ब्रश के लिए या तो यहाँ पे सही रहेगा, देख रही हूँ किधर लगवाऊँ किधर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो फिर एक टंकी इधर से ला के यहाँ से ला के यहाँ पे सेट करानी पड़ेगी मुझे, बाहर से बाहर ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं बताऊँ किधर लगाऊँगा? क्योंकि ये है ना। क्या है यहाँ पे? 20 का है या पाइप का है ये नहीं पता, हटना देखो कौन से पाइप का है, ये तो मिस्त्री बताएगा। पाइप तो छुड़वाया हुआ है हमने यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता कौन से वाला, चलेंगे देखेंगे किस चीज वाला पाइप है ये, बाद में चलेगा वो तो पता। यहाँ पे लगवानी चाहिए वैसे तो मुझे, यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे या फिर बाहर,
कोलगेट ब्रश करने के लिए या फिर बाहर रहेगा। अभी गेट को खोल के देखती हूँ कितना रहेगा। जब पूरा गेट खोलते हैं ना, गाड़ी वाड़ी आएगी तो क्या ना, जब गाड़ी वाड़ी आएगी कभी, क्योंकि आनी तो है ही, अभी नहीं बच्चों के टाइम आएगी गाड़ी तो सही रहेगा। वैसे जगह तो ले लेंगे कहीं ना कहीं पे गाड़ी खड़ी करने के लिए। चलिए नहा के आती हूँ, बहुत बकवास हो चुकी है, तब तक आप बने रहना। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं बालों की मसाज, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। सो बालों पे कलर वलर लगा लिया है, आप देख सकते हो ब्राउन से रेड बाल हो चुके हैं मेरे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और ये बच्चा बोल रहा है बाय बाय, बोलो पीछे से बाय बाय।